हाय, मैं हूँ सी ए गौरव सभरवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। काफ़ी समय से मैं इस तलाश में था कि BBA का कोई ऐसा प्रोग्राम मिल जाए जो एक तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए, यानी कि जॉब मिलने के बाद हमारी सैलरी इतनी होनी चाहिए कि जो खर्चा हमने किया है कोर्स करने में वो हमें कुछ खास ना लगे, और दूसरा वो BBA होना चाहिए सेल्फ फाइनेंसिंग। सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब है कि हम जॉब करके अपने कॉलेज की फ़ीस पे करें। तभी मेरी नज़र पड़ी सनस्टोन यूनिवर्सिटी के BBA प्रोग्राम पर। इस वीडियो के अंदर हम 7 पॉइंट एनालिसिस करेंगे जो आपको कंसिडर करने चाहिए सनस्टोन यूनिवर्सिटी के BBA प्रोग्राम को करने से पहले। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर ट्यूजडेज सीजन 3.0। ये एक हमारा रेगुलर सेगमेंट है जिसके अंदर हम लगातार करियर रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं, और अगर इसी तरह की वीडियोस के अंदर आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। चलिए तो शुरू करते हैं अपना 7 पॉइंट एनालिसिस। पॉइंट नंबर 1, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हमें ये भी तो देखना होता है कि एक कोर्स के अंदर जो हम खर्चा कर रहे हैं और जब हम प्लेसमेंट के बाद कमाई करना शुरू करेंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है हमारी। यहाँ पर इस पर्टिकुलर BBA प्रोग्राम को करने के लिए हमारा खर्चा जो है तकरीबन 2.65 लाख के आसपास आता है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, और जब आपका प्लेसमेंट होता है और अपनी पहली जॉब के लिए आप जाते हैं तो ये खर्चा आप तकरीबन 1 साल या उससे कम समय के अंदर ही रिकवर कर लेंगे, जो मेरे हिसाब से एक ग्रेजुएशन कोर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैंने आपको शुरू में कहा था ना सेल्फ फाइनेंसिंग BBA, तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे रखा है पे लेटर का। ये कहते हैं कि आप जब कोर्स शुरू करते हैं ना तब आप हमें सिर्फ 1.25 लाख रुपये यानी कि 1,25,000 रुपीज़ दे दें, और जब आपका प्लेसमेंट लगता है बाकी का अमाउंट हम आपसे लेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर सैलरी। अब यहाँ पर फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर और डिटेल में समझ सकते हैं या फिर उनके काउंसलर्स वगैरह से बात कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं अपने दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि सर यहाँ पर हम कोर्स कर तो लें बट ये रिकॉग्नाइज है क्या। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, आप भले ही ये कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर रहे हैं या किसी और को भी, रिकॉग्निशन तो होना चाहिए। तो मैंने रिसर्च किया और मुझे पता चला कि ये जो यूनिवर्सिटी है UGC अप्रूव्ड है, तो रिकॉग्निशन की भी हमें कोई चिंता नहीं है। तीसरी बात, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि पढ़ाने का पैटर्न कैसा है, क्या हम सिर्फ किताबी ज्ञान ले रहे हैं या फिर हमें कुछ स्किल्स का नॉलेज भी मिल रहा है। वहीं मुझे पता चला कि यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड टीचिंग होती है, और साथ ही साथ में स्टडी मटेरियल कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करना है इस बात की आपको ट्रेनिंग मिलती है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है इस कोर्स का। अगली बात आती है प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट की बात करें इससे पहले मैं एक छोटी सी टर्म आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। देर इज़ समथिंग कॉल्ड जॉब अश्योरेंस एंड देन देर इज़ समथिंग कॉल्ड जॉब असिस्टेंस। जॉब अश्योरेंस का मतलब होता है कि आप हमारे कोर्स को प्रोग्राम को अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका प्लेसमेंट लगेगा ही लगेगा, ये जिम्मेदारी हमारी है। और जॉब असिस्टेंस का मतलब होता है कि आप ज्वाइन कर लें हमारा प्रोग्राम, हम आपकी मदद करेंगे इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, मगर आपकी जॉब लगे नहीं लगे ये आपकी किस्मत है। मैंने रेयरली ही कोई ग्रेजुएशन का प्रोग्राम ऐसा देखा है जहाँ पर वो जॉब अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, और ये यूनिवर्सिटी में यस 100% जॉब अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, कई स्टूडेंट्स को तो दो दो कंपनियों से जॉब ऑफर्स भी आ जाते हैं और फिर वो चूज़ करते हैं कि कौन सी कंपनी उनके लिए सही है। शायद यही कारण है जिस वजह से इन्हें फ्रेंचाइज इंडिया से और वर्ल्ड एजुकेशन समिट से अवार्ड्स मिल चुके हैं अच्छी और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर 400 प्लस रिक्रूटर्स के साथ इनका टाई अप है, और रिक्रूटर्स भी ऐसे छोटे मोटे रिक्रूटर्स नहीं हैं, कुछ रिक्रूटर्स काफ़ी बड़े हैं जैसे कि Zomato जिनका अभी अभी IPO हुआ है, या फिर गूगल, HDFC लाइफ और मुथूत फाइनेंस जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनका टाई अप है, और यहीं पे प्लेसमेंट्स भी होती हैं। चलें प्लेसमेंट्स की बात तो हो गई, सर हमें पढ़ाएगा कौन, यानी कि फैकल्टीज़ कौन है, क्या इनका सिस्टम है। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी MBA के ऊपर कि आप MBA चूज़ करने के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, आप आई बटन पर देख सकते हैं उस वीडियो को, मगर वही बात मैं यहाँ पे दोहराने जा रहा हूँ कि आपके फैकल्टीज ऐसे होनी चाहिए, ऐसे एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए जिन्हें खुद रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए, और वही चीज़ मुझे यहाँ देखने के लिए मिला। सबसे पहली और हैरान कर देने वाली बात तो मुझे ये लगी कि यहाँ पर 20:1 का रेशो मेंटेन होता है, यानी कि 20 स्टूडेंट के लिए एक टीचर है। ज़्यादातर कॉलेजेस के अंदर मुझे ये देखने के लिए मिला है कि 120 या 100 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर होता है,
दूसरी बात, एक्सपीरियंस फैकल्टीज तो यहाँ हैं ही जिन्होंने रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रखा है, साथ ही साथ में मल्टीपल सिटीज़ के अंदर इनके सेंटर्स हैं, जैसे कि नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी जमशेदपुर, सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना, रतिनाम कॉलेज कोयम्बटूर और हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी देहरादून, और ऐसे कई सारे शहरों के अंदर इनका कैंपस है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इज़ कि आप जिस शहर में हैं शायद उसी शहर के अंदर कैंपस मिल जाए, और डिटेल आप पता करना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ इनके कैंपसेज हैं, अगेन डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, जा करके खुद देख लें। पॉइंट नंबर 6, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। भी ज़्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लिया जाता है, और यही BBA प्रोग्राम के अंदर भी बहुत ज़रूरी है। मगर ज़्यादातर प्रोग्राम्स के अंदर मैंने देखा है कि 3 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए बोला जाता है स्टूडेंट को, और दैट्स इट। बट यहाँ पर जो मुझे बात बहुत अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पर 10 मंथ्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को दिया जाता है, ताकि जब तक उनकी डिग्री कंप्लीट हो वो और इक्विप्ड हो प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए। चलिए अब आते हैं आखिरी बात पे। वैसे तो मैंने देखा है कि यूजुअली MBAs के अंदर वो स्पेशलाइजेशन चूज़ करने के लिए बोलते हैं, बट अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर भी स्पेशलाइजेशन चूज़ करने के लिए ऑप्शंस आजकल आने शुरू हो गए हैं, और वही चीज़ मुझे यहाँ भी देखने के लिए मिली। इनका जो BBA का प्रोग्राम है, यहाँ पर इतने सारे स्पेशलाइजेशन के ऑप्शंस हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है, भले ही वो अकाउंट्स और फाइनेंस हो या फिर वो डिजिटल मार्केटिंग। और यही आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाई करने। चलें तो अब कंक्लूड करते हैं हमारे डिस्कशन को। देखिए, आप लोगों को तो पता ही है कि करंट टाइम्स कितने टफ हैं, और ऐसे टफ टाइम के अंदर ग्रेजुएशन प्रोग्राम करने के बाद अगर आपको प्लेसमेंट की गारंटी मिलती है तो ये बहुत बड़ी बात है, ये मुझे लगता है। दूसरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर जो मैं यहाँ पर दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा वो है इनका पे लेटर का ऑप्शन, जहाँ पर आप प्लेसमेंट यानी कि जॉब सिक्योरिटी होने के बाद ही अपने कॉलेज की फीस पे करेंगे, जो इस BBA को सेल्फ फाइनेंसिंग BBA बनाता है। और साथ ही साथ में आपको रियल लाइफ चैलेंजेस के साथ किस तरह से भिड़ना है इसके लिए भी ये प्रोग्राम आपको मदद करता है। मगर हमेशा की तरह मैं यहाँ पर भी स्ट्रेस करूँगा कि आप अपनी खुद की इंडिपेंडेंट रिसर्च ज़रूर करें, और इसी के लिए मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है, जाएं, एक एक बात ठीक से समझें और फिर अपना डिसीजन लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी और चीज़ के बारे में मुझे बात करनी चाहिए थी या फिर आपके कुछ डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएं। मैं ये भी चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे ये भी बताएं कि और किसी यूनिवर्सिटी या फिर BBA प्रोग्राम या BCom प्रोग्राम जो आपके लिए फ़ायदेमंद है उसके बारे में बातचीत करूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएं। मैं जल्द ही रिसर्च करके उनके बारे में भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही। आपके CA गौरव सर, आपको, दैट्स राइट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।